एग्जाम पर मालूमात आशारी आदाद यानी डेसिमल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीख सकेंगी और सिखा सकेंगी। डिवीजन का इस्तेमाल करके सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर बनाना सीख सकेंगी और सिखा सकेंगी। डेसिमल नंबर्स के एडिशन के लिए हमें एडिशन का एक सिंपल रूल याद रखना होगा। होल नंबर्स को ऐड करते हुए हम प्लेस वैल्यूज का खास ख्याल रखते हैं। वंस का डिजिट वंस से ऐड होगा, टेंस का टेंस के साथ और हंड्रेड्स का हंड्रेड से ऐड होगा। इसी तरह डेसिमल नंबर्स के एडिशन में प्लेस वैल्यूज का ख्याल रखना पड़ता है। इस डेसिमल नंबर को देखिए, इसमें टू वंस का डिजिट है, थ्री टेंथ्स का और फाइव हंड्रेड्स का डिजिट है। इसको अगर मैं ट्वेल्व से ऐड करना चाहूं, इसमें टू वंस का डिजिट है और वन टेंस का डिजिट है। अब टू वंस के कॉलम में आ जाएगा और वन के लिए हम टेंस के कॉलम इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और वो सारी प्लेस वैल्यूज जो खाली हैं वहां जीरो लिख देंगे। अब इसको सिंपल एडिशन की तरह राइट साइड से ऐड करना शुरू करेंगे। 5 प्लस 0, 5, 3 प्लस 0, 3। पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा, 2 प्लस 2, 4 और 0 प्लस 1, 1। आंसर हो गया 14.35। बिल्कुल इसी तरह दो या दो से ज्यादा डेसिमल नंबर्स आपस में ऐड होते हैं। आइए इसको ऐड करते हैं। उसी तरह प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको लिख देते हैं। जो जगह खाली है वहां जीरो लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे, आंसर आया 75.585। इससे हमें ये पता चलता है कि डेसिमल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट अपनी जगह कभी नहीं बदलता और हर नंबर अपनी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है।
सब्ट्रैक्शन में भी हम प्लेस वैल्यूज का खास ख्याल रखते हैं। आइए एक सवाल हल करते हैं। इसको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। 28 में 8 वन्स का डिजिट है और 2 टेंस का डिजिट है। अब हम 9.54 को प्लेस वैल्यूज के हिसाब से लिखते हैं। इसमें 9 वन्स का डिजिट है, पॉइंट के बाद 5 टेंस का डिजिट है और 4 हंड्रेड्स का डिजिट है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट लिखेंगे और वो सारी प्लेस वैल्यूज जो खाली हैं वहां 0 लिख देंगे। अब इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन की तरह राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। हंड्रेड वाला 0 टेंथ के 0 से बोरो करेगा और टेंथ का 0 वंस के 8 से बोरो करेगा। टेन माइनस 4 इक्वल्स 6, 9 माइनस 5 इक्वल्स 4। अब 7 2 से बोरो करके 17 बन गया। 17 माइनस 9 इक्वल्स 8 और 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो जवाब आया 18.46। डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में सवाल हल करते वक्त प्लेस वैल्यूज को मद्देनजर नहीं रखते, क्योंकि हर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है। आइए एक सवाल हल करके देखते हैं। डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के सवालों में सवाल उतारते हुए प्लेस वैल्यू का ख्याल रखना जरूरी नहीं है। इस सवाल को इस तरह लिख लिया, इस सवाल को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिलहाल हम भूल जाएंगे कि डेसिमल मौजूद है। 9 6s are 54, 4 नीचे आया और 5 कैरी। 9 0s are 0, 0 में 5 ऐड किया, ये आ गया 5। तो हमारे पास जवाब आएगा 54। गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल ऐसा ही जवाब आया है जैसा कि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, लेकिन यहाँ 9 6 से नहीं बल्कि 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बारी है अपने जवाब में डेसिमल पॉइंट डालने की। अपने सवाल को देखें, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स मौजूद हैं? जी हाँ, सिर्फ 1। अब हम अपने जवाब में राइट हैंड से एक नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे। इसी तरह से हम दो डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए एक सवाल हल करते हैं। इसको इस तरह लिख देंगे। 5 5s are 25, 5 नीचे आया और 2 कैरी हो जाएगा। 5 7s are 35, 35 में 2 ऐड किया, जवाब आया 37। 7 नीचे और 3 ऊपर। 5 वन्स आर 5, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। 5 वन्स आर 5। अब दूसरे डिजिट पे आएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 5s आर 35, 5 नीचे 3 ऊपर।
7 sevens are 49. 49 plus 3 equals to 52. 2 niche aya, 5 upar. 7 ones are 7. 7 plus 5 equals to 12. 2 niche aya, 1 upar. 7 ones are 7. 7 plus 1 ho gaya 8. Ab isko add kiya. Answer aya 88125. अब डेसिमल पॉइंट लगाने के बारे है। गिन के बताइए कि हमारे सवाल में कुल मिलाकर आशारिया के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स मौजूद हैं? इसी तरह से हम दो डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए एक सवाल हल करते हैं। बिल्कुल सही, आशार्य के बाद तीन डिजिट्स मौजूद हैं। यानी अब हम राइट हैंड से तीन डिजिट छोड़कर पॉइंट डालेंगे। यानी राइट हैंड से 5, 2 और 1 के बाद पॉइंट आएगा। ये हो गया हमारा जवाब। इसी तरह से हम दो डेसिमल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए एक सवाल हल करते हैं। इसको इस तरह लिख देंगे। अब पहले की तरह भूल जाएंगे कि पॉइंट्स मौजूद हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5s are 25, 5 नीचे आया और 2 कैरी हो जाएगा। 5 7s are 35, 35 में 2 ऐड किया। जवाब आया 37, 7 नीचे और 3 ऊपर, 5 ones are 5, 5 plus 3 equals to 8, 5 ones are 5, अब दूसरे डिजिट पे आएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 5s are 35, 5 नीचे, 3 ऊपर, 7 7s are 49, 49 plus 3 equals to 52. 2 niche aya, 5 upar. 7 ones are 7. 7 plus 5 equals to 12. 2 niche aya, 1 upar. 7 ones are 7. 7 plus 1 ho gaya 8. Ab isko add kiya. Answer aya 88125. अब डेसिमल पॉइंट लगाने के बारे है। गिन के बताइए कि हमारे सवाल में कुल मिलाकर आशार्य के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स मौजूद हैं? अब हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं। इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। 2 के टेबल में 12 आता है। 2 sixes are 12। इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर ये 4 नीचे आ जाएगा। 2 twos are 4। अब ये 2 जब क्वोशेंट में जाएगा तो ये एक पॉइंट लगाने के बाद जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 2 असल में 0.4 को डिवाइड कर रहा है। इसका कोई रिमाइंडर नहीं आया। 6.2 क्वोशेंट है।
अब हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। इन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करने से पहले इन दोनों डेसिमल नंबर्स को होल नंबर्स बनाएंगे, यानी इनका पॉइंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस नंबर को देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर्स मौजूद हैं, यानी ये पॉइंट हटाने के लिए हमें दो बार मूव करना पड़ेगा। पॉइंट को दो बार मूव करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 0.5 का डेसिमल खत्म करने के लिए वैसे तो सिर्फ पॉइंट को एक बार मूव करने की जरूरत है, यानी 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने 4.35 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 0.5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट खत्म करने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हों। अब हमारा क्वेश्चन कुछ यूं बन गया है। इसको सिंपल डिवीजन की तरह डिवाइड करेंगे। 50 के टेबल में 4 नहीं आ सकता, 43 भी नहीं आ सकता, 400 आएगा। 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 400 आया। 435 माइनस 400 अब आ गया 35। 50 के टेबल में 35 नहीं आ सकता। एक तरीका है जिससे हम 35 को 50 से डिवाइड कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि हम कोशेंट में एक पॉइंट लगा देते हैं। इस पॉइंट लगाने से ये हुआ कि अब हम यहाँ एक जीरो लगाकर इसको 35 से 350 बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट लगाने से ये जीरो कैसे आया। ये बात हमें मालूम है कि हर होल नंबर के आखिर में पॉइंट के बाद जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 बराबर है 5.0 के। डेसिमल नंबर्स डिवाइड करते हुए जब हम क्वेश्चन में पॉइंट लगाते हैं तो हम डिविडेंड में मौजूद नंबर के पॉइंट को दाएं जानिब एक नंबर आगे मूव कर देते हैं। अब ये आसानी से डिवाइड हो सकता है। 10 फाइव्स आर 50, रिमाइंडर आया 0 और आंसर आया 0.5। 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 350, रिमाइंडर आ गया 0। जिस तरह 435 को 50 से डिवाइड करने पर आंसर 8.7 आया, बिल्कुल इसी तरह 4.35 को 0.5 से डिवाइड करने पर भी यही जवाब आएगा। आप अपने पास मौजूद कैलकुलेटर पे दोनों जवाब मालूम करके चेक कर सकती हैं। पीछे सिखाए गए मेथड को इस्तेमाल करके हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में तब्दील कर सकते हैं, यानी सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर बनाने के लिए डिवीजन का ऑपरेशन यूज किया जाता है। आइए एक सवाल देखते हैं। इस फ्रैक्शन को डिवीजन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 1 डिवाइड हो रहा है 8 से। 8 के टेबल में 1 नहीं आता। 1 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर बनाने का तरीका हमने पहले देखा था। हम कोशेंट में पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अभी तक कोशेंट में कोई और नंबर नहीं है, इसलिए वहां पहले जीरो आएगा,
फिर पॉइंट आएगा। इस पॉइंट के आने से 1 10 बन जाएगा। 8 ones are 8, 10 में से 8 गए, 2 बचे। 8 के टेबल में 2 भी नहीं आता। इस 2 को हम 20 बना सकते हैं, लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से हम लातादाद 0 तक रसाई हासिल कर सकते हैं। किसी भी फिगर में डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक बार आ सकता है। ये 20 बन गया। 8 twos are 16। 20 minus 16 equals to 4। अब 4 40 बन जाएगा। 8 fives are 40। रिमाइंडर आ गया 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/8 बराबर है 0.125 के। डेसिमल नंबर्स को दिए गए ऑपरेशन के मुताबिक हल करें।
दिए गए फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में तब्दील करें। मुअल्लिमात डेसिमल के ऑपरेशन सिखाने के लिए तुलबा को डेसिमल की प्लेस वैल्यू जरूर याद करवाएं। ऑपरेशन सिखाने से पहले 10 मिनट ये एक्टिविटी करवा सकती हैं। बच्चों, ये एक डेसिमल नंबर बोर्ड पर लिखा है, आइए सब मिलकर इसकी प्लेस वैल्यूज पहचानते हैं। सबसे पहले हमजा आए। 2 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स और 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस। चलिए अब आबिद आए। 5 की प्लेस वैल्यू है 0.5। आबिद दोबारा सोचिए, पॉइंट के लेफ्ट जानब की प्लेस वैल्यूज का नाम भी बाएं जानब की प्लेस वैल्यूज से ही मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। टेंस। 3 की प्लेस वैल्यू है 100। वेरी गुड आमना। मुअल्लिमात क्लास में मेजरमेंट्स यानी पैमाइश की मिसाल इस्तेमाल करके डेसिमल पे ऑपरेशन सिखा सकती हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अगर आबिद के घर की दीवार 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर लंबी है तो उसको आबिद इस तरह लिख सकता है। अगर इस दीवार को आबिद 5 हिस्सों में बराबर तकसीम करना चाहता है तो हर हिस्से की लंबाई कितने मीटर होगी? आइए मालूम करते हैं। 5 10s are 50। क्वेश्चन्ट में हमारे पास 10 आ गया, 40 नीचे आ जाएगा। हमें मालूम है कि 5 8s are 40, लेकिन क्वेश्चन में 8 लिखने से पहले हम पॉइंट जरूर डालेंगे क्योंकि 40 से पहले भी पॉइंट है। ये सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। क्वेश्चन आया 10.8, मतलब ये हुआ कि दीवार का हर हिस्सा 10 मीटर्स 8 सेंटीमीटर्स होगा।
معلمات طلبہ کو فریکشن سے ڈیسیمل نمبرز بنانا سکھانے کے لیے اس مثال کا استعمال کریں. بچوں, 1/2 کو ہاف کہا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ڈیسیمل نمبرز میں ہم ہاف کو کیسے ظاہر کریں گے. 2 کے ٹیبل میں 1 نہیں آتا. 1 کو 10 بنانے کے لیے ہم زیروز خریدیں گے, اور زیروز خریدنے کے لیے ہمیں کوشنٹ میں پوائنٹ لگانا ہوتا ہے. یہ بن گیا 10. 2 5s are 10. 5 اوپر گیا اور ریمائنڈر آ گیا 0. یعنی کہ 1/2 برابر ہوتا ہے 0.5 کے. یعنی کہ 0.5 روٹی کا مطلب ہوگا آدھی روٹی.